Hi everyone, welcome back to the channel Anvesha's Creativity. Anvesha's Creativity के सभी दर्शकों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार. और आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ कुछ ऐसे प्लांट जो आप कहीं पर भी रखें, किसी भी जगह पर रखें, वो बहुत अच्छे से चलेंगे. उनकी बहुत ज़्यादा केयर नहीं है, आप जैसे मर्जी उनको ट्रीट कीजिए, वो बहुत अच्छे से सालों साल आपका साथ निभाएंगे. और कौन से हैं वो प्लांट, उनकी क्या हाइट है, क्या कंडीशन में रखना चाहिए, क्या पानी देना चाहिए, क्या उनका सॉइल मिक्सचर होना चाहिए, वो सभी बताऊंगी आपको स्टेप बाय स्टेप. साथ ही साथ उनकी हाइट वगैरह भी कितनी रहती है वो भी मैं आपको बताऊंगी. तो वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप सभी से एक नोटिफिकेशन है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करके जाएं. आपके लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियो बनाने का, तो लाइक ज़रूर करके जाएं. चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें विद बेल बटन, इसी टाइप के वीडियो आगे भी देखने के लिए. और शेयर भी करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में, जिससे कि आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी ये जानकारी मिल सके. तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं. तो सबसे पहले जिस प्लांट की मैं बात करूंगी वो है बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्लांट और आपको हर जगह मिल जाएगा और सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट है वो प्लांट ऑफिस में रखने के लिए, घर में रखने के लिए, किसी भी कॉर्नर में रखें आप, डेकोरेशन के लिए रखें, मतलब आप किसी भी जगह पर उसको रख सकते हैं बेफिक्र होके, वो बहुत ही अच्छे से चलेगा. धूप में रख सकते हैं, लेकिन पूरे दिन की धूप ना मिले तो अच्छा है, या फिर आप उसको रख सकते हैं इनडायरेक्ट सनलाइट में, इंडोर भी रख सकते हैं. तो उस प्लांट का नाम जो है वो है एरिका पाम. और दूसरा प्लांट जो है वो आप रख सकते हैं, इसी की फैमिली का है, उसका नाम है फोनिक्स पाम. तो ये एरिका पाम और फोनिक्स पाम दोनों ही मैं आपको दिखाने वाली हूँ. ये एरिका पाम है, इसको हल्की सी शेड की धूप में भी रख सकते हैं. अगर आप एक आध घंटे दो घंटे की धूप में रखेंगे तो ये इसका कलर अच्छा रहता है पत्तों का, और बहुत ज़्यादा धूप में रखेंगे तो ये जल जाता है. इसके अलावा ये जो फोनिक्स पाम मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, ये हल्की फुल्की वही एक घंटे की धूप में रखेंगे तो अच्छे से चलेगा, और अगर आप इसको ज़्यादा धूप देंगे तो ये जल जाता है. तो बहुत ज़्यादा केयर नहीं चाहिए होती है, हल्का सा पानी देते रहें. और दूसरे नंबर पे है ये वाला प्लांट, इसको कहते हैं एयर प्लांट. और एयर प्लांट को आप किसी भी मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती, पानी की ज़रूरत नहीं होती, ना ही खाद की ज़रूरत होती है. इसको आप हफ्ते में एक बार स्प्रे कर दें पानी से, इसको आप कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं, पॉट में ऐसे ही डेकोरेशन के लिए लगा सकते हैं. और ये लाइव प्लांट हैं और काफ़ी अच्छे से चलते हैं, बिना केयर के ये प्लांट काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रहते हैं. और ये मैंने आपको एक नर्सरी पर दिखाया भी था, अगर आपको याद हो तो मैंने आज से लगभग 3 से 4 महीने पहले एक नर्सरी विजिट कराया था, तो उसमें ये एयर प्लांट थे जो मैंने आपके साथ में शेयर किया था कि इसको केवल आप इंडोर लगा सकते हैं, आउटडोर लगा सकते हैं, जहां मर्जी चलाएं, लेकिन मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. नेक्स्ट मैं बात करूंगी इस प्लांट की, जो है रबर प्लांट. मैंने इंडोर रखा हुआ है, इंडोर रख सकते हैं आप इसको, शेड में रख सकते हैं, धूप में ना रखें. पानी बहुत ज़्यादा कम दिया जाता है, हाइट इसकी 1 से 1.5 फीट रहती है, बहुत ज़्यादा नहीं रहती है, केयर भी बहुत ज़्यादा नहीं मांगता है, बिल्कुल ना के बराबर केयर मांगता है. पानी इसको बहुत कम चाहिए होता है, इंडोर रखें बस ब्राइट लाइट में. इसके अलावा ये 1 से 1.5 फीट इसकी हाइट रहती है, 1.2 फीट इसकी हाइट रहती है. इसका नाम है एलोवेरा. एलोवेरा तो आपको पता ही है कितना ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल होता है, इसको आप कहीं पर भी रखें आराम से चलता है. इसके बाद में मैं बात करूंगी ड्रेसिना प्लांट के बारे में. इसको आप इंडोर रखिए, आउटडोर रखिए, जैसे मर्जी रखिए. इसकी दो वैरायटी आती हैं, एक डार्क वैरायटी आती है और एक लंबी वाली आती है. तो मेरे पास दोनों ही हैं, तो दोनों तो नहीं है, है तो ये मेरे पास डार्क वैरायटी ही, लेकिन ये चलता है. दो इसके पप्स जो होते हैं वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो इसको भी कैसे भी रख सकते हैं. नेक्स्ट मैं बात करूंगी इस शफलेरा प्लांट की, जो बिल्कुल ना के बराबर केयर मांगता है, और मेरे पास भी कम से कम 4-5 साल से बना हुआ है, काफ़ी साल हो गए, मेरे को खुद भी याद नहीं है. और इसमें हल्की सी धूप दे दें आप, या फिर इंडोर भी रख सकते हैं, लेकिन इंडोर में बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक रहेगा तो इसकी जो पत्तियाँ हैं ब्राउन रहती हैं, तो बेहतर है कि इसको ब्राइट लाइट में आप रखें. पानी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, और इसकी हाइट जो रहती है 1.25 फीट रहती है, बस इससे ज़्यादा नहीं रहती है. तो बस आज के साथ, आज मैंने आपके साथ में शेयर किए कुछ ऐसे प्लांट जो आप बहुत कम देख रेख में सालों साल चला सकते हैं, और इनको कहीं पर भी रखिए. ये बहुत अच्छे से हार्डी प्लांट होते हैं, बहुत जल्दी हार नहीं मानते, हर जगह सर्वाइव कर लेते हैं. कैसा लगा आपको वीडियो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएं. जल्दी मिलूंगी एक नए वीडियो में आपके साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग.